हाय गाइस, वेलकम टू सर्कल ट्रेडर्स। और सर्कल ट्रेडर्स का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिन लोग इंटरडे के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते हैं और स्टॉक चाहते हैं जो होल्डिंग पर्पस हमें अच्छा रिटर्न दे। तो आज का जो ये वीडियो है ये जिन लोग मनी मैनेजमेंट करके चलना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन काम होगा, जिन लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन काम होगा। क्योंकि मैं जो ये दो स्टॉक सिलेक्शन किया हूँ, ये दो स्टॉक का किस बेस पे मैं सिलेक्शन किया हूँ, मैं कोई एक फार्मूला के ऊपर सिलेक्शन नहीं किया हूँ, मैं इसे मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ सिलेक्शन किया हूँ। सो गाइस, आप अगर मल्टीपल कन्फर्मेशन को अच्छी तरीके से समझना एंड सीखना चाहते हैं तो सर्कल ट्रेडर्स को हमेशा के लिए अपना लीजिए। चलिए गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको मिलेगा टुमारो मॉर्निंग पे, वो मिलेगा फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्यूजडे को किस तरीके से आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए गाइस, जो रिसेंटली हमारे साथ सामने स्टॉक है वो है विप्रो। हमने देखे हैं कि पिछले सेशन पे आईटी सेक्टर के अंदर एक बेहतरीन मोमेंटम आया है, बट विप्रो आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत ही माना हुआ स्टॉक है। लेकिन इस स्टॉक को हमने आज ही नहीं, इस स्टॉक को हमने इस जगह से रेडर पर लाए थे, बट थोड़ा सा आईटी सेक्टर के कारण इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था। और अभी जो मूव आया है इसको सिलेक्शन करने का क्या क्या वजह है तो देखिएगा, नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, दोनों का टेक्निकल मैं समझाता रहूंगा। सो गाइस, अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, देखो ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें प्रीवियस दो हाई का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि विप्रो का जो प्रीवियस दो हाई है वो यहाँ पे जा रहा है, क्लियर। और यहाँ पे दो हाई नहीं, आप देखिए एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई, पाँच हाई, फाइव टाइम का ये हाई है। ठीक है, यानी कि इस हाई के ऊपर विप्रो अगर स्टे कर जाएगा एक दिन तो आपको ये स्टॉक को होल्डिंग पर्पस आप लीजिए, मल्टीप्लायर स्टॉक बनेगा जो आपको 10% रिटर्न इजीली दिखाएगा विद इन 1 और 2 मंथ, 1 से 2 महीने के अंदर 10% का रिटर्न। क्योंकि हमने SIP के अंदर पूरा साल में 10% निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरीके से स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आई होप कि आपको 10% रिटर्न हर एक एक महीने में, हर दो दो महीने में मिलते रहेगा। तो चलिए गाइस, विप्रो का सिलेक्शन करने का एक मेन वजह है, दूसरी वजह क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी वजह है कि हमने जो ऑनलाइन क्लास के अंदर मूविंग एवरेज कंसेप्ट समझाते हैं तो मूविंग एवरेज कंसेप्ट यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। देखो, अगर आप नहीं जानते जी मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको नेक्स्ट वीक में जो हमारा वीडियो आने वाले हैं वो वीडियो मूविंग एवरेज के ऊपर ही आने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे मैं 3-4 चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा जो मल्टीपल कन्फर्मेशन का काम करते हैं, तो वो किस तरीके से आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन का काम कर रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टेक्निकल को अगर समझना चाहते हो तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 200 DMA, 50 DMA, 10 DMA, सारे DMA को एक ब्रेकआउट के ऊपर रुक रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, ब्रेकआउट के ऊपर रुका हुआ था पिछले 3 दिन से, पिछले 5 दिन से, पिछले 7 दिन से। तो इसमें एक मूवमेंट आना बिल्कुल तैयार था, हो गया दूसरा कन्फर्मेशन। एक हमने पहले प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन लिए, हमने मूविंग एवरेज का कन्फर्मेशन लिए। तीसरी कन्फर्मेशन क्या होता है, तीसरी कन्फर्मेशन हमारा है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रहे हैं PIV, यानी कि पिवोट पॉइंट और सेंट्रल पिवोट पॉइंट। ये जो सेंट्रल पिवोट पॉइंट है इसका डीपली नॉलेज अगर आपको जानना है तो हमने नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे इसके लिए। तो इसमें क्या होता है, एक टॉप लाइन, एक बॉटम लाइन, एक मिडिल लाइन। मिडिल लाइन होता है आपका पिवोट लाइन और एक टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। ये तीनों लाइन जब नजदीक आ जाता है, करीब आ जाता है, तो उस स्टॉक के अंदर एक बड़ी मोमेंटम दिखाई देता है। तो देखो किस किस एनालिसिस हमने यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट एनालिसिस रखे हैं, सेकेंडली हमने सेंट्रल पिवोट रेंज के एनालिसिस रखे हैं, थर्डली हमने मूविंग एवरेज कंसेप्ट को मल्टीपल तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो कंसेप्ट रखे हैं। सो गाइस, आई होप कि आप पूरा नॉलेज आपको यहां से मिल रहा होगा कि हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का पीछे क्या रीजन है, राइट। और साथ में तीसरा चौथा जो पॉइंट है कि इसका न्यूज, हमने कुछ ही दिन पहले इसका बायबैक का सेशन खत्म हुआ है और बायबैक कंपनी में कब और क्यों आते हैं आई होप कि आपको पता होगा कि बायबैक तभी आता है जब कंपनी के अंदर स्ट्रांगनेस है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं गाइस। तो कैसे लगा जो विप्रो का सिलेक्शन, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएगा ताकि इस तरीके से नॉलेज आपको बाकी कोई वीडियो में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए गाइस,
नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे सामने आईसीआईसी बैंक। आप बोलेंगे सर बैंकिंग सेक्टर में तो मोमेंटम है ही नहीं। यस गाइस, बैंकिंग सेक्टर में इतना मोमेंटम नहीं है, लेकिन आईसीआईसी बैंक ऐसे मोमेंटम आपको दिखा सकता है कि आप इसमें चौंक जाएंगे। क्यों, रीजन क्या है, समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्राइस एक्शन को दिखाना चाहूंगा। प्राइस एक्शन के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या पैटर्न है ये। अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हो तो मैं कमेंट सेक्शन आपके लिए रख रहा हूं कि इसके अंदर आपको एक क्या पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पैटर्न बनने के बाद टारगेट क्या होता है। तो मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा जो टारगेट यहां पे आपको बताऊंगा, जो ये टॉप बनता है और जो बॉटम बनता है ये इसका टारगेट रहता है। तो 960 पे प्राइस चल रहा होगा और इसका बॉटम है जहां तक 825 के नियर अबाउट, ये लाइन जो है ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट तो रखेंगे कि 960 से 1060 मिनिमम टारगेट है मेरा। ओके, कब बाइंग करेंगे ना, बाइंग करने के लिए आपको क्लियरली इस रेंज के ऊपर एक दिन ब्रेकआउट मिलेगा, नेक्स्ट डे में इस हाई को ब्रेक करेगा तब आपको बाइंग करना होगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे ना, ये जो आपको ट्रेंड लाइन मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन को अगर डाउन साइड ब्रेक होता है किसी वजह से, बड़ी कोई दुर्घटना घट जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से नीचे रहेगा। आई होप कि आप सब लोग समझदार है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए 940 से नीचे क्लोजिंग होगा तो आपको स्टॉप लॉस होगा, 970 के ऊपर एक दिन स्टे होगा तो आपको बाइंग करना होगा, टारगेट 100 पॉइंट। नेक्स्ट मूवी एवरेज कंसेप्ट देखना चाहते हैं, चलिए गाइस इसमें मूवी एवरेज कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मैं पिछले ऊपर के ऊपर लगाए थे तो मूवी एवरेज हमने यहाँ पे 50 लगाए हैं। ओके, क्या देख पा रहे हैं कि 50 के ऊपर कंटिन्यू स्टे कर रहा था। मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे 200 लगाते हैं तो क्या देख पा रहे हैं 200 पे, तो जरा इसमें देखते हैं 200 मूविंग एवरेज काफ़ी दिन पहले 200 इसको पॉजिटिव ब्रेक कर चुका है। सो गाइस आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे सेंट्रल पिवट लाइन लगाते हैं तो सेंट्रल पिवट रेंज क्या दिख रहा है, तो सेंट्रल पिवट रेंज बहुत 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 ज़्यादा नैरो है जो कि एक लाइन पे बिलोंग कर रहा है। देखिए जस्ट आप वॉच कीजिए, एक महीना देखिए क्या ये एनालिसिस अच्छा काम करता है। अगर ये एनालिसिस अच्छा काम करता है तो ये निफ्टी में भी काम करता है, बैंक निफ्टी में भी काम करता है, इंटरडे में भी काम करता है, बट हमारे को टाइम फ्रेम अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम यूज़ किए हैं, क्या टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम यूज़ किए हैं ऑन डे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक दिन का व्यू नहीं ले रहे, इसके ऊपर नेक्स्ट वन मंथ का व्यू ले रहे हैं। सो गाइस कैसे लगाए वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको महत्वपूर्ण सुझाव जरूर डालते रहिएगा। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।